हेलो दोस्तों, मैं आप सब की शालिमा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? सत श्री अकाल। तो चलते हैं अपने प्रीवियस पार्ट की तरफ। देखते हैं कि हमारी जो श्रेया होती हैं वो देर तक ऑफिस में काम कर रही होती है। यहाँ पर डिनर पे सब लोग वेट कर रहे होते हैं। इधर आती हैं, फिर कृष्णा को बोलती हैं कि थोड़ा आओ, हेल्प की ज़रूरत है, तो हो जाती हैं। देखते हैं अब आगे। तो प्रीवियस पार्ट में जैसे कि हमने देखा कि तो फिर इसमें जो हमारी सब बोलती हैं और इधर हमारा मज़े ले रही होती है, हाँ हाँ जाओ जाओ करके बोलती है और कहती है कि ज़रूरत होगी भाई, तो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो सब पहले चली गई होती है, कृष्णा बाद में जाती है और जाती है तो देखती है कि कृष्णा अपना बैग रख के अपने कपड़े खोल रही होती है। तो इधर कृष्णा कहती है, वो देखती है तो थोड़ा सा वो घबरा जाती है कि वो मैं तो तब तक कृष्णा पलटती है, स्ट्रैप पलटती है, देखती है कृष्णा मतलब खड़ी हुई है डोर के साइड डोर लगा के। तो फिर कहती है कि मैं बाहर। तो कहती है क्यों, तो इधर आओ। तो इधर आती है और बोलती है कि करीब खड़ी हो जाओ, तो वो खड़ी होती है और थोड़ा और, तो थोड़ा और, तो फिर कहती है कि हाँ क्या हुआ कृष्णा। तो कहती है कुछ नहीं बस। तो उसका मुंडे जो होता है नीचे होता है, तो वो फिर हाथों से अपने तरफ उसकी फेस को ऊपर उठाती है और कहती है कि इतना क्यों शर्माना। तो कहती है कि नहीं, मैं कहाँ शर्मा रही हूँ। तो कहती है कि नहीं, शर्मा तो रही हो। तो ऐसे कहती है और कहती है कि उसको थोड़ा सा अपने करीब लेती है और अपने हाथों को उसके कमर में डाल के खड़ी होती है। कहती है कि मैडम क्या क्या सोच रही हो। तो कहती है कि कुछ नहीं बस, हाँ आप जाओ फ्रेश हो लो, नीचे सब लोग नाश्ते पे वेट कर रहे हैं। तो कहती है कि हाँ ठीक है, मेरे कपड़े निकाल लो, मैं वॉशरूम से आती हूँ। तो वो कपड़े निकाल के फिर चली जाती है नीचे। तो हमारी श्रेया होती हैं, वो अपने वॉशरूम से बाहर निकलती हैं, कपड़े चेंज करती हैं और आती हैं अपने डिनर के तरफ। तो डिनर के तरफ आती हैं और देखती हैं कि सब लोग बैठे हुए हैं और इधर सुरभि बैठी हुई है। तो कृष्णा जो है वो बैठती है, सब लोग डिनर करते हैं और डिनर करके सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो जो हमारी कृष्णा होती हैं वो कहती हैं कि मैं आपका प्लेट लगा देती हूँ। तो इधर हमारा होती है वो मज़े ले रही होती है, मुझे लगा कि टाइम लगने वाला है। तो कहती है कि कैसा टाइम, श्रेया बोलती है। अरे तुम कृष्णा को, तो वो कहती है कि अरे भाभी कुछ भी ना। तो कहती है क्या कुछ भी, तो आप नहीं तो बुलाते हुए यहाँ से। तो अरे वो मैं अपने कपड़े के लिए। तो फिर कहते हैं उनके फादर कहते हैं अरे बस करो, चलो खाना खाओ, तो काफ़ी लेट हो गया बैठे बैठे। तो सब लोग खाना खाते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है, हाँ इधर जो हमारी कृष्णा होती है वो तो शर्म माँ के पानी पानी हो चुकी होती है, क्योंकि ये सब सबके सामने और कृष्णा को तो बहुत शर्म आती है, तो इस वजह से थोड़ा सा। तो फिर इधर ये होता है कि जो हमारी श्रेया होती है वो खाने के बाद सब लोग अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। तो श्रेया उठती है तो अपना काम लेके हॉल में ही पड़ जाती है। तो इधर सुरभि जो होती है उसकी नज़र बालकनी से श्रेया के ऊपर होती है, देखती है कि श्रेया को आज कृष्णा को आज हेल्प में कोई नहीं है। तो कृष्णा अकेले सब कुछ कर रही होती है, तो श्रेया उठती है और सारा सामान किचन में रखवाती है। कहती है कि अरे तुम तो परेशान हो गए यार। तो कहती कुछ नहीं बस ठीक है, तो रख देंगे। तो
ना कहती है कि ठीक है चलो मैं भी रखवा दे रही हूँ। तो वो रखवाते हैं, सारे बर्तन रिप्लेस कराते हैं और बड़े कृष्णा को छेड़ते हुए बड़े प्यार से चीज़ वगैरह को रखते हुए, ये सब हमारी जो सर्पी होती है वो देख रही होती है, उनको बिल्कुल ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है। तब तक हमारी जो श्रेया होती है इनकी नज़र और उनकी नज़र मिल जाती है और श्रेया मुँह बनाते हुए चले जाती हैं। तो देखती हैं और श्रेया जो होती है ये चीज़ें देख के थोड़ा सा परेशान होती है, फिर कहती हैं कि चलें कृष्णा, तो कहती हैं हाँ। तो वो जाते हैं और फिर इधर श्रेया भी अपने फाइल्स उठाती है और रूम की तरफ दोनों निकल जाते हैं। तो निकल जाते हैं, फिर जैसे श्रेया अंदर जाती है फिर कृष्णा दरवाज़ा लगाती है और कृष्णा चली जाती है फ्रेश होने के लिए वॉशरूम। और फ्रेश हो के आती है तो कहती फ्रेश होती है और बेड साइड बैठती है तो श्रेया कहती है कि कृष्णा तो कहती है हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहती है हाँ बोलिए। तो फिर थोड़ी देर तो करने के बाद कहती है कि कुछ नहीं सो जाओ, थक गई होगी ना। तो कहती है कि नहीं आपको बात करनी थी ना, मैं सुन रही हूँ। तो कहती है कि कुछ नहीं कृष्णा, बस मैं ऐसे ही। तो कहती है कि अच्छा। तो कहती है कि कृष्णा मूवी पे चलोगे क्या। तो कहती है कि ठीक है कब जाना है। तो वो कहती है कि कल शाम में चलते हैं। तो कहती है कि ठीक है चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर जो होता है कि फिर कहती है कि चलो सो जाते हैं। तो इधर हमारी कृष्णा और श्याम बहुत प्यार के साथ एक दूसरे को देखते हुए और हमारी श्याम जो होती हैं कृष्णा के फोरहेड पे किस करते हैं, कहते हैं कि गुड नाइट सो जाओ। तो वो सो जाते हैं, फिर इनका डेली रूटीन मेंटेन होने लगता है। और फिर शाम को आती है श्याम, तो कहती है कृष्णा से कि कृष्णा अभी तक तुम तैयार नहीं हुए, हम मूवी पे जा रहे हैं ना। तो ये चीज़ सुन के हमारी जो शुरू होती है कहती है कि मूवी पे जा रहे हो, मैं भी चलूँगी। तो ऐसे करके बोलने पर कहती है वो अच्छा, कहती है कि मैंने सिर्फ हम दोनों के लिए मूवी डेट पे जा रहे हैं, समझ में रही हो। तो ऐसा बोलती है तो शुरू का मुँह बन जाता है और कहती है कि तुम अलग से चली जाओ। तो कहती है ठीक है, वहाँ पर सब लोग होते हैं तो कुछ ज़्यादा कह नहीं पाती है। तो वो तैयार होने के लिए जाती है और कृष्णा के दिन बस जा ही रहे हैं। तो जाती है इधर, ये दोनों ये हमारी जो सुरभि होती है हमारे यश होते हैं और दोनों अपने कमरे में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। और इधर से हमारी सीढ़ियों से चढ़ रही श्रेया को एक कॉल आता है तो वो बालकनी की तरफ जाती हैं और बालकनी साइड ही सुरभि का कमरा होता है। तो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तुमको यश बोल रहा होता है कि तुमको मैंने किस लिए लाए थे, तुम इन दोनों को अलग कर दोगी, तुम कुछ नहीं कर पा रही हो, तुम आई तो गई हो, इतने दिन से रह तो रही हो, तुमसे हो क्यों कुछ नहीं पा रहा। तो कहती है कि मैं कर तो रही हूँ उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर तो रही हूँ, बट हो ही नहीं रहे, पता नहीं किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ गए। तो कहते हैं कि तुम उसकी पास्ट थी, तुम्हें याद है और तुम्हें पता होगा कि उसकी वीकनेस क्या है और उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तुमको अभी तक नहीं समझ में आया। अगर तुम कृष्णा को अलग नहीं कर पाओगी ना तो देख लेना, मैं मुझसे बड़ा कोई होगा नहीं। तो ये सब चीज़ें हमारी श्रेया सुन रही होती हैं इन दोनों की बातें और जो कि इनकी जो प्लानिंग चलती होती है। तो हमारी श्रेया को तो बहुत गुस्सा आता है, दरवाजे को बहुत ज़ोर से खोलती है और कहती है कि अच्छा तो ये सब आपका किया धरा है और आप इसको सुरभि को बुलाए हो, ठीक है।
तो ठीक है बहुत सही भाई, मैं आपसे यही उम्मीद कर सकती हूँ। मुझे लगा था कि कुछ भी कर सकते, ये नहीं करोगे, इतने नहीं गिरोगे। और रही बात कृष्णा, कृष्णा मेरी है और मेरी ही रहेगी, और ये आप अपने दिमाग में बात बैठा लो, ठीक है। और जो सोच रहे हो कि कृष्णा आपकी बन जाएगी, आप उसको हासिल कर लोगे, ये कभी नहीं होगा, मैं ये होने नहीं दूंगी। और फिर भी तुम सुन लो कान खोल के, अगर तुम कृष्णा के आसपास भी फटकी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? ऐसा बोल के चली जाती है और कहती है कि अब इधर ये परेशान होती है और इधर बोली रहती है मूवी जाने के लिए कृष्णा को। तो कहती कि नहीं, मैं कृष्णा को ऐसे फेस के साथ जा नहीं जा सकती, मुझे अपना मूड ठीक करना होगा। फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई करती है मूड अपना सही करने का, और थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करने का जाती है। तो कृष्णा तैयार हो रही होती है, तो अब वो जाती है पीछे साइड से, उसके कमर में हाथ डाल के खड़ी होती है, जैसे कृष्णा को महसूस होता है कि। तो कहती है क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? तो कहती है कि तुम्हें कैसे पता? तो वो टर्न होती है, कृष्णा कहती है कि नहीं बस ऐसे ही पता है, इतने दिनों में इतना तो समझ ही गया है कि तुम मतलब आप परेशान हो रहे हो और कब नहीं। तो ऐसा बोलती है कृष्णा और कहती है कि उम्मीद तो यही है कि आप परेशान ना रहें। तो कहती है कि ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा सा ऑफिस का। तो कहती है ठीक है, इतना भी परेशान मत होना कि तुम्हारा ये हाल हो जाए, ठीक है। तो कहती है कि ठीक है, चलो फिर चलते हैं। तो कृष्णा बोलती हैं, तो फिर श्रेया कहती है कि कुछ तो कहती है कि कुछ तो क्या? तो कहती है कि एक सी। तो कहती है नहीं कुछ नहीं। तो क्या प्लीज ना कृष्णा, कहती नहीं मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। तो कहती है हाँ, तुम मुझे किसी नहीं दोगे, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा, तुम 1 घंटा और कर लेना, ठीक है। तो कहती है मैं 1 घंटा नहीं करती है, वो बहुत जोर जोर से उसके हाथ पे मारने लगती है और कहती है कि हाँ ऐसे बोलोगे? तो कहती है कि अरे अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है प्लीज ना। तो वो जो होता है वो धीरे से देती है, फिर इन दोनों की एक प्यारी सी मोमेंट बनती है और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। और फिर जब इनका ख्याल आता है तो फिर कहती है कि शिक्षा कहती है मूवी डेट कैंसिल करते हैं, तो चलो कुछ और कर देते हैं। तो कहती है कृष्ण नहीं चलो चुपचाप, मुझे जाना है और मैं कभी मूवी एज नहीं मतलब। तो वो समझ जाती है, तो शब्दों को रोकते हुए जो कृष्णा बोलने जा रही होती है, तो कहते हैं नहीं, ठीक है चलो चलते हैं। तो उसका हाथ पकड़ती है और वो कहती है अरे रुको तो सही, वॉल मेरा पर्स तो ले लेने दो। तो कहती है कि हाँ हाँ ले लो। तो लेती है और हाथ पकड़ के वो सीढ़ियों से उतर रही होती है। तो उधर सोनिया से पूछती है कि क्या हुआ, तो कहाँ जा रहे हो दोनों? तो वो कृष्णा बोलती है कि मूवी जा रहे हैं माँ। तो श्रेया बोलती है कि मैंने बोला था माँ कि तुम जा रहे हो ना, हम शाम को मूवी जाएंगे, तो मैं सोच रही थी मूवी देख के चले आते, तो बहुत टाइम से कहीं गए भी नहीं है, तो थोड़ा सा इसको भी फ्रेश फील होगा। तो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल जाओ। तो इधर जो होता है ये जाते हैं और धनराज जी पूछते हैं ये दोनों कहाँ जा रहे हैं। तो क्या वो बताती है अरे मूवी जा रहे हैं दोनों देखने हम। तो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, फिर मुझे 1 कप कॉफ़ी ला के दे दो। तो वो जाती है कॉफ़ी बनाती है और ला के देती है धनराज जी को। तो कहते हैं कि ये दोनों साथ में खुश तो है ना? तो कहती हैं कि हाँ क्यों, आपको क्या नहीं, जिस सिचुएशन में इन दोनों की शादी हुई थी उस हिसाब से तो मुझे कमी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी, बट ठीक है आप कह रहे हो तो सही कह रहे हो के। तो कहती है उनकी धर्मपत्नी जो सोने जाती है नहीं, अब इन दोनों में सुधरने लगा है।
चिंता तो यश के लिए है कि अमायरा और यश में कुछ ठीक नहीं है। तो जैसे ही यश और अमायरा का नाम लेती हैं, वो धनराज गुस्से में आ जाते हैं कि देखिए उसका नाम भी मत लो, उसके साथ जो भी हो रहा है उसका किया धरा है, ठीक है। तो कहती है कि वो हमारा बेटा है, आप कैसे भूल जाते हो। तो कहते हैं कि वो हमारा बेटा है, हमें याद है, बट उसको याद है कि हम उसके माँ बाप हैं। अगर हमारी इच्छा ना होती तो हमारी इज्जत, हमारा रुतबा, हमारी कंपनी, हमारा सब कुछ टूट चुका होता। उस वक्त हमारी इज्जत ना संभलती तो क्या उसने इस बात का ध्यान रखा कि मैं इस बात का ध्यान रखूँगी वो हमारा बेटा है। तो इस बात से जुड़े हुए रहते धनराज जी, और फिर हमारी सोनिया जी समझाने की कोशिश कर रही होती है, बट वो कहते देखिए मैंने जो कह दिया बस कह दिया, मुझे उससे कोई वो नहीं है। तो फिर इधर फिर सुरभि के बारे में पूछते हैं कि ये सुरभि कौन है। तो कहती है कि भाई कॉलेज वाली उसकी फ्रेंड, तो वो कहती है हाँ। तो ये तो कृष्णा को तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में। तो कहती है कि नहीं, कृष्णा के बारे में तो कृष्णा को नहीं पता है उसके बारे में, बट मैंने सोचा कि मैं सुरा से बात कर लूँ एक बार कि वो सब कुछ खुद ही कृष्णा को बता दे, वरना उसको कहीं और से पता चलेगा तो शायद उनकी शादी ना ख़राब हो जाए। तो कहती हैं सोनिया जी कहती हैं, फिर दंडा जी कहते हैं नहीं, उनकी चीज़ नहीं ख़राब होगी, क्योंकि कृष्णा बहुत समझदार लड़की है और किसी के कहने से या बोल देने से वो शराब पे ऐसे शक या वो नहीं करेगी। और वैसे भी हमारी बेटी बहुत ही ज़्यादा सभ्य है, तो ये तो चीज़ वो उसकी पुरानी बातें हैं, उसके प्रेजेंट में तो है ही नहीं। तो ये चीज़ बोल रहे होते हैं बड़े विश्वास के साथ जो होता है हमारे धनराज जी, और कह रहे होते हैं कि ठीक है उसको एक बार बात कर लो और उससे कहो कि वो कृष्णा से खुद बात करके सारी चीज़ें बता दे, वरना कहीं देर ना हो जाए। तो कहते हैं कि हाँ मैं भी वही सोच रही हूँ। दोनों लोग बात करके वहाँ से उठते हैं। तो फिर आते हैं हम अमायरा और यश पे। तो अमायरा और यश जो होते हैं, वो होता है कि यश बोल रहा होता है कि हमारा बोल रही थी तुम मुझे कभी मूवी डेट पे नहीं ले गए, तुम मुझे कभी बाहर नहीं ले गए, क्या वो ऐसा कह के लड़ रही होती है। तो यश बोल रहा होता है कि अगर तुमको मूवी जाना तो चली जाओ ना, मैं क्यों लेके जाऊँ, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। यश तुम इतने ज़्यादा कैसे बदल सकते हो। तो कहता है कि मैं क्यों नहीं बदल सकता, ठीक है, और तुम मतलब क्या क्या चाह रही हो, प्यार तो तुम मुझसे करती नहीं हो। और सेकंड थिंग ये कि तुम मेरे पैसों के लिए मेरे घर में रह रही हो, ये मुझे पता है, तुमको पैसे मिल रहे हैं ना तो खुश रहो ना उसमें और उससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। तो कहती है कि तुम कैसे बात कर रहे हो यश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो कहता है कि हाँ, जब मेरे घर वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया तब तो तुम्हारा पैर मुझे नहीं दिख रहा था, क्यों, सही कहा ना। तो जो यश जब ये बोलता है तो हमारी हमारा का मुंह बन जाता है, और वो जो होती हैं फिर पैर पटकते हुए कमरे से बाहर आ जाती हैं, और यश वहीं पे बैठ के आराम से अपना फ़ोन चला रहा होता है। तो ये चीज़ देखती हैं सुरभि आती हैं, कहती हैं कि ये क्या चल रहा है। तो कहते कुछ नहीं, तुम बताओ तुम्हारा प्लान कहाँ तक पहुँचा। तो कहती है कि बस थोड़ा और वक्त लगेगा, अब मैंने सारी प्लानिंग कर ली है कैसे हमें कृष्णा तक की अपनी बात पहुँचानी है। तो वो बताती है यश को, और ये बात हम सीक्रेट रखते हैं कि हम बाद में इस बात को बताएंगे कि क्या उन्होंने एक दूसरे से बात की, किस तरीके से कृष्णा को बताने की साजिश रची है। तो वो इधर जो होता है, जो इनके मम्मी पापा होते हैं, उनकी एनिवर्सरी आने वाली होती है, और वो सोचते हैं कि क्या प्लान किया जाए। इधर हमारी श्रेया भी जाते वक्त रास्ते में बोलती हैं कि अरे यार मैं तो भूल ही गई थी,
मम्मी पापा का एनिवर्सरी आ रहा है तो उनके लिए तो भाई पार्टी प्लान करनी पड़ेगी। तो कहती हैं कि कब है उनकी एनिवर्सरी, तो वो बोलती है कि उनकी एनिवर्सरी लास्ट अप्रैल में ही आती है। तो अच्छा 30 अप्रैल को, तो ऐसा बोलती हैं। ठीक है, फिर ऐसा होता है कि बोलती हैं हमारी जो जो से होती है, यदि 30 अप्रैल को रहती है तो उनके लिए कुछ प्लान करना। तो वो कहती है कि ठीक है, प्लानिंग की बात मुझ पे छोड़ दो, अब मैं प्लान करूँगी इस पर मम्मी पापा का एनिवर्सरी का क्या करना है। तो कहती है ठीक है, हम देखते हैं, तुम जब कह रही हो तो तुम्हारा भी देख लेते हैं। तो ऐसा कृष्णा को बोलती है और कहती है कि चलो फिर देखते हैं अपनी मूवी और एंजॉय करते हैं। तो ये लोग पहुँचते हैं फिर उसके पास से, हमारी जो कृष्णा के लिए दरवाज़ा खोलती हैं शाह, और हमारी कृष्णा उतरती हैं और ये दोनों जाते हैं अंदर। और फिर अंदर जाने के बाद सारी चीज़ें इनकी क्लियर होती हैं। फिर तो दोस्तों देखते हैं कहानी में क्या होता है। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और थैंक यू।